अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात पर लगाई गई रोक को लेकर एक टेलीविजन भाषण दे रहे थे। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसेरा भी मौजूद थे, लेकिन टेलीविजन पर भाषण के दौरान बाइडेन ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल बाइडेन ने भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे निर्देशों को ही पढ़ डाला। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भी उनकी इस गलती पर यह कहते हुए तंज कसा है कि जो भी टेलीप्रॉम्प्टर को नियंत्रित करता है दरअसल असली राष्ट्रपति वही है। वायरल वीडियो में जो बाइडेन अपना भाषण बोल रहे हैं, इस दौरान वह लगातार बोलते हुए कहते हैं, एंड ऑफ कोट रिपीट द लाइन, यानी उद्धरण का अंत लाइन दोहराएं, जो कि दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर का दिशा निर्देश है। फिर बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण पढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर से सही बोलने लग जाते हैं। देखिए यह वीडियो। Power. It is noteworthy that the percentage of women who registered to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or political power. That's another way of saying that you, the women of America, can determine the outcome of this issue. I don't think the court, or for that matter, the Republican